देखो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला लॉ क्या बोलता है पहला लॉ क्या बोलता है कि फोटो करंट जो है अपना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से प्रोपोर्शनल है सो द फोटो करंट, सो द फोटो करंट करंट फोटो करंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन ठीक है तो फोटोकरेंट फोटोकरेंट डायरेक्टली प्रपोजनल है किसका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रेडिएशन ये याद है क्या अच्छा इंसिडेंट रेडिएशन के लिए तो ये फिक्स होता है बट किसके लिए किसके लिए किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी और मटेरियल के लिए सो द फोटो करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फॉर गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ठीक है सेकेंड बात सेकेंड बात सेचुरेशन करंट क्या होता था जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते थे तो एक ऐसा टाइम आता था कि जब जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे वो सब के सब के पहुंचने लग गए थे एनोड तो करंट था, तो किस पे डिपेंड करता था? ये हम लोग लिखे हुए कि सैचुरेशन करेंट सेचुरेशन करेंट सेचुरेशन करेंट डिपेंड्स ऑन सेचुरेशन करेंट डिपेंड्स ऑन सेचुरेशन करेंट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेचुरेशन करेंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट अच्छा बट बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था सर ये उतना पोटेंशियल था जब आप अप्लाई कर दे रिवर्स डायरेक्शन में सो so दैट जो करंट फ्लो कर रहा वो जीरो हो जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल था ये प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट क्या यहां तक सबको समझ में आया है या कोई कन हम लोग फ द इंसिडेंट और द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वोंट इमिट वोट इमिट बिलो अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी का नाम हम लोगों ने बोला था कौन सा थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है तो चलो उस बात को लिखते हैं फोटो करेंट या फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोट गेट इमिटेड वोंट गेट इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता इमिटेड फॉर 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 किसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लेसर देन लेसर देन थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ठीक है है तो एक ऐसा होता जिससे कम अगर हम लोग अगर हम लोग एनर्जी दे पार्टिकल को अगर हम लोग एनर्जी दे पार्टिकल को तो क्या होगा तो क्या होगा जो पार्टिकल है अपना वो इमीट नहीं हो पाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं थ्री फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्यों सर इमीट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर मेटल को पार्टिकल से इमीट करना है तो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर देना होगा या वर्क फंक्शन वाला के बराबर एनर्जी देना होगा जिसको आप थ्रीसोल्ड एनर्जी भी बोलते थे चौथा चौथा ये क्या है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है बेटा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहने का तात्पर्य है कि अभी रे ऑफ लाइट आया टकराया अभी ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एक घंटे बाद रिमूव नहीं होगा तो इस बात को क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये मतलब आया टकराया और उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ अगर एनर्जी कितनी है क्या बोल रहा कि वेव थ्योरी और पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बता रहा पार्टिकल नेचर वेव थ्योरी क्या बता रहा वेव थ्योरी क्या बता रहा वेव नेचर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आने लगा क्या कंट्राडिक्शन आने लगा कि पहला तो यह बताया गया कि सर आप बोल रहे हैं जो वेव लाइट है वो वेव है और अगर लाइट वेव है तो उसके साथ फ्रंट एसोसिएटेड होगा मतलब कि मतलब कि विथ वेव फ्रंट एसोसिएटेड विथ लाइट विथ वेव फ्रंट विथ वेव फ्रंट एसोसिएटेड विथ लाइट विथ वेव फ्रंट एसोसिएटेड विथ लाइट लाइट अब वे फ्रंट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं है ना मेनी इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट एट वंस मेनी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स शुड कम आउट शुड कम आउट कम आउट एट वंस एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए मतलब ये अपना सरफेस है और ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट आया ये, ये जो एक साथ टकरा रहे होंगे तो कहना क्या, क्या चाह रहा था कि अगर ऐसा है, तो के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव होने चाहिए थे जो कि ऐसा नहीं देखा गया था तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन था दूसरा कौंट्र... दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन कौंट्र... ये था कि अगर एक सफिशियंट फ्रिक्वेंसी रखा अच्छा पहला पहले कंट्र पहला जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे वो सबको समझ में आ गया ना बेटा पहला स्टेटमेंट आ गया अपने को अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं क्या बोला गया कि आप सर बोल रहे हैं कि ये फ्रंट के फॉर्म में आ रहा है, ना? तो अगर विथ सफिशिएंट इंटेंस बीम विथ सफिशेंट विथ सफिशिएंट इंटेंस बीम इंटेंस बीम फॉलिंग ऑन पार्टिकल फॉलिंग ऑन सरफेस लिख सकते हैं फॉलिंग ऑन सरफेस फॉर समाइम है ना अगर कोई इंटेंसिटी ऑफ बीम है है ना जो कि ऑब्वियसली बात करेंगे अभी कोई इंटेंसिटी सफिशियंट का वर्ड का क्या मतलब समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में तो मान लो कोई सफिशियंट इंटेंस बीम है ना, मतलब सफिशियंट फ्रिक्वेंसी का कोई बीम है और वो सरफेस पे कुछ टाइम के लिए गिर रहा है कुछ टाइम के लिए गिर रहा है तो सम टाइम के लिए अगर वो उस सरफेस पे फॉल हो द इलेक्ट्रॉन सुडगेट द इलेक्ट्रॉन्स शुड गेट द सफिशियंट एनर्जी शुड गेट शुड गेट द सफिशियंट एनर्जी Should get the sufficient energy and and come out and come out of the surface ठीक है क्या है हम लोग beam का इंटेंसिटी बहुत तेज नहीं है बट हम लोग क्या करें बहुत लंबे टाइम तक उस सरफेस पे गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकल जाना चाहिए अगर वो वेव नेचर को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है देयर फोर देयर सुड नॉट बी एनी देयर सुड नॉट देयर सुड नॉट बी एनी कंसेप्ट ऑफ थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट ऑफ थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना मतलब अकॉर्डिंग टू वेव नेचर अगर लाइट को बोला जाए तो तो जो हैं वो आकर टकराएंगी है ना तो पहला पॉइंट क्या बोला कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए थे सर वो तो हुआ नहीं दूसरा अगर कोई बीम ऑफ लाइट है जिसको बहुत टाइम तक आप सरफेस पे रख दें तो क्या हो जाना चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना चाहिए ये भी ट्रू नहीं हो रहा था मतलब वहां पे कोई थ्रिसोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए था ये भी ट्रू नहीं था ठीक है तो सेकेंड पॉइंट तक समझ में आया क्या बेटा पास पहला क्या बोला कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे दूसरा क्या बोला नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा रेडिएशन मूव मूव विथ या इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट मूव इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट अगर ये वेव फ्रंट के फॉर्म में आता है जैसे कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं तो अगर लाइट रेज जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आता है मतलब कि हर वेव फ्रंट के साथ कुछ एनर्जी होगा इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी वो एनर्जी जब सरफेस पे आएगा तो बहुत सारे पार्टिकल के साथ वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यानी कि यानी कि जो एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा वो बहुत कम होगा इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा टाइम लेगा सरफेस से बाहर निकलने के लिए यानी कि वहां पे कुछ टाइम लैग होना चाहिए बिटवीन एब्जॉर्बसन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नहीं था तो थर्ड पॉइंट वही है कि लाइट वेव लाइट मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड कंप्लीट वेव फ्रंट एंड कंप्लीट वेव फ्रंट And complete wave front is absorbed by. And complete wavefront is absorbed by by many electrons. Many electrons. Many electrons. Hence, hence, energy received energy received for your energy received by one electron electron is very very less hence there should be hence there should be some time lag time lag बिथ्वीन एब्जॉर्बशन एंड इमिशन बिथ्वी एब्सॉर्बेशन एंड इमिशन है ना तो और के बीच में कोई टाइम लैग होना चाहिए जो कि भी गलत था तो यहां से क्या बोला गया कि सर आपने जो वेव थ्योरी के बारे में बात की थी ना सर वो थ्योरी ही गलत है बट इसी का एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टाइन ने और सिर्फ फोटो इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए Einstein को 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 मिला था। तो सोच सकते हो हो कितनी कितनी बड़ी बात हो कितनी बड़ी बात बात जाएगी, है है ना? होगी? अधिकतर जनता पता होता है कि यानी या के लिए दिया गया था बट वो गलत है किसके लिए मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मिला था समझ में आया क्या यहां तक इस नुम को ट्राई करो इस वेवलेंथ दिया हुआ है तो थोड़ा सा समझना वेवलेंथ अपने पास दिया हुआ है उस बात पे दिमाग लगाना वेवलेंथ दिया वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है ट्राई करेंगे तो अपने को वर्क फंक्शन इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई भी सब्सटेंस है वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन किसके बराबर होता था एच सी अपॉन लैमडा के बराबर ठीक है और एच के बराबर तो अगर लैमडा जहां से हम लोग कैलकुलेट करें वो लैमडा की वैल्यू सपोज आ गया तो लैमडा वन मान लो आ गया ठीक है अब आप कंपेयर करेंगे कंपेयर किससे करेंगे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है ठीक है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है अगर मान लो वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट ज्यादा हुआ इफ वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट इफ वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट गिवेन इज मोर देन द लैम्डा ऑफ थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन के लिए मैं लैम्डा डब्लू लिख देता हूं लैम्डा डब्लू तो बताएं क्या ये क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा या नहीं देगा सोचें सोचें हिंट मैं वापस से आपको दे रहा हूं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होता था अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होता था कौन सा जो सब्सटेंस में रे ऑफ लाइट टकराया है अगर कम होता था तो फिर कोई भी इमिशन नहीं होगा कोई भी इमिशन नहीं होगा मतलब इफेक्ट नहीं सो करेगा है ना तो यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो करेगा ये अगर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हो अब आप इसके लिए सोचें क्या होगा है ना आपके पास तीस सेकेंड है सोचें आप क्या होगा इसके लिए ठीक है देखो वापस से हम लोग देखें तो ये किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो अगर थ्री फ्रीक्वेंसी देखा जाए उस फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होता अगर उस फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होता तो फ्रीक्वेंसी विथ विथ या फ्रीक्वेंसी लेस देन लेस देन थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी तब नो इमिशन है और फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेवलेंथ कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब वेवलेंथ वेवलेंथ मोर देन थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्री सोल्ड मोर देन थ्री सोल्ड वेवलेंथ नो इमिशन ठीक है तो इस सवाल में क्या करें आप पहले थ्री सोल्ड वेवलेंथ निकाल लें और गिवन वेवलेंथ से कंपेयर करें अगर वो वैल्यू ज्यादा हुआ तो नो इमिशन अगर ज्यादा नहीं हुआ

यहां से इसको सिंप्लीफाई करें बेटा और रिजल्ट बताएं जल्दी से कितना आएगा आप जब इसे सिंप्लीफाई करोट्लीफाई करोगे बेटा तो ये ऑलमोस्ट आएगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंगस्ट्रॉम के बराबर लगभग आएगा इतना और जो अप्लाइड ये है कौन सा अप्लाइड वेवलेंथ थ्रिसोल्ड वेवलेंथ ये क्या है अपने पास सॉरी ये है अपने पास थ्रिसोल्ड वेवलेंथ है ना तो लैमडा टी है अपने पास जो अप्लाइड वोल्टेज है अप्लाइड वेवलेंथ है वो कितना है सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड है लेमडा अप्लाइड जो कि ग्रेटर देन है कितना लेमडा थ्रिसोल्ड यानी कि इमिशन कौन सा होगा नो इमीशन होगा इमीशन हो नहीं सकेगा समझ में आया क्या समझ में में क्या क्या हम लोग बात किए थे तो इस स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव क्या, -क्या प्रॉब्लम क्यों, क्यों, तो क्यों नहीं निकल रहा तो पहला पॉइंट था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा दूसरा था क्या कि कोई भी थ्रिसोल्ड फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट क्यों है दूसरा प्रॉब्लम और तीसरा था क्या टाइम डिले है ना यही प्रॉब्लम आ रही थी वेव तो यहीं पे एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने अले तो इसी चीज का एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टाइन ने और अपने थ्योरी में आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो और ये ऐसा एक्सप्लेनेशन था जिसके कारण जिसके कारण आइंस्टाइन को नोबल प्राइज मिला था तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट कि उन्होंने बोला कि जो रेडिएशन है आप लोग गलत समझ रहे हैं रेडिएशन जो है वो क्या है डिस्क्रीट यूनिट ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है या डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बना है या डिस्क्रीट यूनिट से मिलकर बना है या डिस्क्रीट एनर्जी है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उन्होंने बोला कि रेडिएशन आर रेडिएशन आर रेडिएशन आर मेड अप ऑफ ऑफ डिस्क्रीट यूनिट अलग अलग यूनिट है डिस्क्रीट यूनिट रेडिएशन आर मेड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट एंड एंड ईच यूनिट ईच यूनिट हैज एनर्जी एनर्जी एज एज एचन यू या एच सी बाई लैमडा या एच सी बाई लैमडा सो ये जो एनर्जी है ये जितने लाइट से एक लाइट से जितने सारे यूनिट्स आ रहे हैं या जितने सारे पैकेट्स आ रहे उन सब का सेम होगा है ना दीज आर कॉल्ड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा, उन्होंने बोला दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 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 क्वांटा, ठीक है एनर्जी ऑफ द क्वांटा इज एस वहां से उन्होंने मोमेंटम के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर दी थी बट मोमेंटम के बारे में उन्होंने बोला था कि मोमेंटम जो होगा वो एच या चलो बेटा पहला पॉइंट अपन को समझ में आ गया दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग ठीक है तो पहला उन्होंने क्या बोला हर पैकेट का एक एनर्जी है जो कि है एचसी अच्छा सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एब्सॉर्ब्स वन क्वांटा वन क्वांटा एंड इफ द एनर्जी एंड इफ द एनर्जी एंड इफ द एनर्जी इज मोर देन द more than then work function work function work function it will it will come out come out of material full stop the loosely the most loosely packed the most loosely packed electron will come out will come out come out with high kinetic energy most loosely electron will come out with high kinetic energy जो एनर्जी है यानी अब उस से उन्होंने अपने इक्वेशन में बताया उन्होंने अपने इक्वेशन में बताया कि अगर एनर्जी इज इक्व टू है अपने पास तो वो किसके बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है यानी यहां से बताया कि एनर्जी ऑफ ऑफ द द फोटोन या क्वांटा किसके बराबर है बेटा एच न्यू के बराबर है दिस इज टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी बता सकते हैं तो वहां से क्या आया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है वो है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर अगर पोटेंशियल में बेटा ग्राफ अपने को या पोटेंशियल में बताना है तो काइनेटिक एनर्जी को e into v लिख सकते हैं यानी v पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h into, h into mu जो कि अपन न्यू अपन फ्रिक्शन की बात कर लिए और डिवाइडेड बाय चार्ज माइनस वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज यहां तक समझ में आया क्या बेटा अब अगर हम लोग बात करें और ग्राफ बनाएं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन और फ्रीक्वेंसी का कर्व तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है वी देख बेटा ये किसके जैसा कर्व है आप देखोगे फ्रीक्वेंसी है यहां पर तो ये पार्ट कांस्टेंट हो गया ये हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे यहां माइनस सी है और इसका कहने का क्या मतलब है इसका कहने का क्या मतलब है थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर कर दूं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए इस बात को कहने का क्या मतलब है कि अगर अपने पास फ्रीक्वेंसी है ये ये तो अपना जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसा है है ना यहां पे ऐसा है जो नेगेटिव पार्ट गया है जो नेगेटिव पार्ट गया वो किसके कारण गया है वो वर्क फंक्शन के कारण गया ये वाला पार्ट है माइनस सी और ये जो स्लोप है बेटा वो किसके बराबर है एच अपॉन ई के बराबर है। क्या यहां तक समझ में आया सबको अगला जो उन्होंने बोला थर्ड पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे सर ये कैसे आया अभी अभी आपने देखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना था टोटल एनर्जी जो कि था न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर था देखा था ना तो वहां से इन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट बट डिपेंड्स लीनियरली बट इट डिपेंड्स लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी विथ फ्रीक्वेंसी अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इसी में उन्होंने क्या बोला कि नो मैटर हाउ हाउ मोर इज द इंटेंसिटी नो मैटर हाउ स्ट्रांग इज नो मैटर हाउ मच इज इंटेंसिटी हाउ मच इज इंटेंसिटी बट बट याद करो ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट था जो कट कर रहा था बट ये कौन सा था ये थ्रिसोल्ड फ्रीक्वेंसी था तो कोई मतलब नहीं है कि कितना गहरा या कितना ज्यादा इंटेंसिटी हो बट इफ बट इफ द रेडिएशन इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इफ द रेडिएशन रेडिएशन इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी अगर लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा Frequency that is less than the threshold frequency, that is less than threshold frequency. Frequency, then 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 no electron will emit. Yeah, no electron, electron will get emitted, will get emitted. तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा क्या ये बात सबको समझ में आई उन्होंने बोला दोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज लास्ट पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इमिशन इज इमिशन इज इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन्वॉल्व इन्वॉल्व ऑफ़ एब्सॉर्बेशन absorption of quanta quanta if the energy is more if the energy if the energy is more than is more than work function if the energy is more than the work function then then at the same time then then the electron will get electron

क्या क्या बातें तुम्हें याद करो जो हम लोग वेव थ्योरी में पंगा देख रहे थे कि क्या एक साथ अगर वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल है तो निकलना चाहिए तो ऐसा उन्होंने बोला क्या कि नहीं एक्चुअली में बहुत सारे क्वांटाज हैं तो हर क्वांटा रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूवल के लिए ठीक है दूसरा उन्होंने क्या बोला कि टाइम लैग होना चाहिए टाइम लैग होना चाहिए है ना बहुत सारे पार्टिकल्स पर गिरा तो उन्होंने बोला नहीं 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 एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए एक क्वांटा ही रिस्पॉन्सिबल है तो अगर एक क्वांटी का एनर्जी किसके ज्यादा हो जाए अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो तुरंत रिमूव होगा मतलब कोई टाइम लैग नहीं होगा ठीक है समझ में आया क्या समझ में आया क्या और थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद भी उसमें करी गई थी तो थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था उन्होंने बोला था कि यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने क्या बोला नहीं कोई मैटर नहीं करता कितना इंटेंसिटी है अगर जो इंसिडेंट लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना भी रहे बट उसका फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होना चाहिए थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी जो अपना पार्टिकल है वो रिमूव हो पाएगा ये था आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था समझ में आया क्या बेटा बहुत बहुत ही ही आसान सा बहुत ही बालक सा बालक सवाल है अपने पास क्या सवाल में बोला गया थ्रीसोल्ड फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है वर्क फंक्शन निकालना है अरे निकाल सकते ना अपन वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं क्या ट्राई करिए जल्दी आ जाएगा क्या याद करो वर्क फंक्शन कैसे निकालते थे हम लोग एच एनर्जी? एनर्जी तो तो की वैल्यू सवाल में दे दी, दी गई है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस थर्टी फोर नहीं भी दी हो तो अपन निकाल सकते हैं टू इंटू टेन का पावर ऑफ फोर्टीन अब यहाँ से तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना बेटा थर्टीन पॉइंट टू इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस ट्वेंटी तो आप निकाल सकते हैं इसे 1.32 पॉइंट थ्री का पावर ऑफ माइनस नाइनटीन है ना माइनस नाइनटीन बट क्या सवाल में देखो क्या बोला है आपको वर्क फंक्शन किस में चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर अपने को बोला है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वो होता है 1.6 10 का

तो ऑलमोस्ट ये किसके बराबर है लगभग ये 8.8 के आसपास बराबर दिख रहा है मुझे तो आप लिख सकते हैं क्या 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये ये हो जाएगा आपका आंसर समझ में आया बेटा बेटा चलिए सवाल ट्राई करिए इसमें बोला है क्या? देखो हम लोग कभी भी सवाल बनाते हैं तो हमेशा क्या कर लें जो गिवेन डाटा है उसको हमेशा हम लोग लिख लिया करें है ना तो गिवेन डाटा को आप अगर लिखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना बोल रहा है बेटा इस सवाल में फ्रीक्वेंसी दिया गया है थ्री इंटू टेन का पावर ऑफ फिफ्टीन हर्च के बराबर ये फ्रीक्वेंसी दिया गया अच्छा आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है है अपने को पता है। और वर्क फंक्शन अपने पास दिया है फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना जानते हैं तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जूल ठीक आ जाओ अब देखो बेटा एनर्जी जो गिवन है वो क्या होता था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी आता था तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख दू हाफ एम वी फंक्शन है, तो है? है? अपन जानते हैं सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस थर्टी फोर और अपने पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है थ्री इंटू टेन का पावर ये दे रखा है माइनस वर्क फंक्शन अपने पास कितना दे रखा है है अपने पास कितना 4 10 का का पावर ऑफ़ ठीक है है तो काइनेटिक एनर्जी में M पता होता इलेक्ट्रॉन अब आप बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर है ना जिनका नहीं आया उनके लिए जल्दी से मैं आगे का स्टेप बता देता हूं तो वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा इसको आप लिख देना टू यहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये नाइनटीन पॉइंट एट दिख रहा और इसको भी हम लोग कर लिए तो 30, 10 का 6, तो का का पावर पावर रहा ये 6 .4 हो जाएगा है ना कॉमन ले सकते हैं आप डिवाइडेड मास ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर यहाँ से आप करके वी निकाल लेंगे वी को अंडर रूट निकाल लेंगे तो अपना सवाल आ जाएगा ठीक है अगले पे आते हैं इस सवाल को करें इस सवाल में मैं डाटा बस आपको फिर से लिख दे रहा हूँ हमेशा सवाल में इंपॉर्टेंट डाटा लिख ले तो वेवलेंथ अपने पास दिया हुआ है टू थाउजेंड ना जिसका वर्क फंक्शन दिया एनर्जी तो से e वो टकरा रहा था माइनस वर्क फंक्शन तो यहां से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ही को ही हम लोग ई इंटू वी लिख सकते थे ठीक है ट्राई करिए अब चलो बेटा देखो अपने पास वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है, है ना? और भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से निकाल लेते e हैं बहुत बढ़िया है। अब अपने पास एनर्जी निकालना है। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैमडा तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस थर्टी फोर सी की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा थ्री इंटू टेन का पावर ऑफ एट एच सी अपॉन लेन का पावर ऑफ माइनस सेवन आप उसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करें तो माइनस सेवन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कर देते हैं तो देखो बेटा और सिंप्लीफाई करें जरा हम लोगों को तो इसका वैल्यू कितना आएगा थ्री पॉइंट थ्री इंटू थ्री ये आया ये पंद्रह चला जाएगा पंद्रह टेन का पावर माइनस नाइनटीन आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ रहा होगा बेटा आउट तो ये, ये हो, हो जा रहा है ऑलमोस्ट ये मुझे दिख रहा है कि टू टाइम्स है. है ठीक है लगभग टू टाइम्स दिख रहा है. तो टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिक्स आसपास आ जाएगा सिक्स या सिक्स टू लगभग आ जाएगा ये माइनस फोर पॉइंट टू तो यहां से जब पोटेंशियल को लिखेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो वोल्ट के बराबर आ जाएगी यही हो जाएगा अपना आंसर क्या समझ में आया बेटा यहां तक इसमें वापस से देखो क्या क्या दिया हुआ है तो इसमें स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दिया है तो अगर जैसे ही आपको स्पीड दिया हुआ है आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं तो यहां से क्या है ये मीटर पर सेकेंड में है तो यहां से अपन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बता सकते हैं अच्छा और क्या क्या दिया है वर्क फंक्शन दिया है है हाँ ना वर्क फंक्शन भी दे दिया गया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपको बोला गया है कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये बताइए कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये बताइए ठीक है ट्राई करिए इसको जिनका नहीं आया उनके लिए जिनका नहीं आया उनके लिए अपने पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी बोल रहा तो है, है energy, तो अपन क्या लिख सकते हैं एच इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि एनर्जी है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस प्लस वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन अपने पास है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 का पावर ऑफ -19 जूल तो अपन h फ्रीक्वेंसी हाफ 2 m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 10 का पावर ऑफ -31 वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर हो गया 10 का पावर है 8 v की वैल्यू 10 का पावर 4 था अब यहां से 2.3 1.6 टेन का पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जब आप इसे करेंगे, से करेंगे, से डिवाइड तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? आगे बढ़ते जाएगीउसेंड एंगस्ट्रॉम के बराबर बहुत अच्छे क्या क्या दिया अपने पास एरिया दिया है और वो दिया है फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको मीटर स्क्वायर में ऐसे में हम लोग कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा टेन का पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी दिया है बेटा 150 फिफ्टी मीटर पर मीटर स्क्वायर देखो बेटा इंटेंसिटी क्या होता है इंटेंसिटी होता है अपने पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो ये दिया है है ना तो रेट एट विच द फोटोन इज स्ट्राइकिंग ये अपने को निकालना रेट है ना तो रेट क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम ठीक है तो इसको अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाएगा यानी n t निकालना है अपने को ठीक है अब ट्राई करिए बेटा से बता देता हूं है ना अपने को एनर्जी इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा है और नंबर ऑफ रेट ऑफ स्ट्राइकिंग तो n t निकालना तो इंटेंसिटी की वैल्यू आप लिख देंगे 150 10 का पावर -3 क्योंकि ये मिली में था टाइम टाइम तो अपने को निकालना है, एरिया एरिया अपने, अपने वैल्यू क्या होती है थ्री इंटू टेन का पावर ऑफ एट और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, है बेटा वो तो दे रखा है थ्री थाउजेंड यानी थ्री इंटू टेन का पावर माइनस सेवन के बराबर इसे आप सिंप्लीफाई करें आपका रेट आ जाएगा ठीक है अगले सवाल पे आते हैं

क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो ये कौन सा कर्व होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कर्व जैसा वन बाई डी के प्रोपोर्शनल जैसा तो ये तो हो ही नहीं सकता ये भी हो नहीं सकता ये भी हो नहीं सकता यही हो, हो सकता कर्व यानी ऑप्शन नंबर अपना फोर्थ आ गया समझ में आया क्या बेटा इस सवाल को पढ़ें और कोशिश करें इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए ये कंसेप्ट हम लोग जब लास्ट क्लास थ्योरी पढ़ रहे थे तभी पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा जो पार्टिकल इमिट होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा मतलब उतना ही ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल लगाना होगा सो दैट करंट कितना हो जाए जीरो हो जाए है ना तो आप उससे बता सकते हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा आइए अगले पे बात करते हैं इस सवाल को सिंप्लीफाई करें बेटा इस सवाल को सिंप्लीफाई करें बहुत आसान सवाल है बहुत लोगों का आया भी है क्या बोला है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे अगर कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट मिलता है है ना सेम सेम बट अपने को पता है क्या इंटेंसिटी अगर चेंज हो जाता है अपने को पता है कि अगर इंटेंसिटी चेंज हो जाता है तो क्या चेंज होता है सेचुरेशन करेंट चेंज हो जाता है सैचुरेशन करेंट चेंज हो जाता है बट क्या कट ऑफ वोल्टेज और वी नॉट पे या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ता है आंसर इज नो वी नॉट किस पे डिपेंड करता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है यानी अगर आप डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो इंटेंसिटी तो चेंज हो सकता है करंट चेंज हो सकता है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता तो ऑप्शन इज थ्री अगले पे आइए ट्राई करिए सवाल को जिनका नहीं आया वो देख लें एक फोटोन एनर्जी है अपने पास की वन फोटोन ऑफ इतना एनर्जी फॉल वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा अभी तो हम लोग बात किए थे दोनों को माइनस कर दो और बहुत ही बालक सा सवाल था अगले पे आ जाइए आ गया ना ठीक है तो अपने पास सवाल में क्या दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्स दिया हुआ था वे रे ऑफ लाइट का तो वो सर्फिस पे गिर रहा है एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते आप वर्क फंक्शन प्लस

अगर यहां तक सबका आ गया तो आप क्या करें अब क्या करें मान लो कोई भी इक्वेशन ले, ले लेते हैं सपोज टू ही ले लेते हैं हम लोग या आप टू ले लें वन ले लें ले, कोई भी ले लें और ई एक्स की वैल्यू पुट करें तो आपको वर्क फंक्शन दिखाई देने लगेगा ठीक है तो मान लो मैं वन को ही पुट कर रहा हूं चलो तो इसको क्या लिख सकते थ्री बाई फोर एच सी अपॉन लैमडा है ना अब इस वैल्यू को लेकर यहां पुट कर दो पुट कर दो तो ये आया एच सी अपॉन लैमडा

थ्री सोल्ड वेवलेंथ है आप उसको निकाल सकते हैं फोर लैमडा के बराबर आएगा यानी ऑप्शन टू आएगा समझ में आया क्या बेटा यहां तक